उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर से आज अपने चुनावी रणभेरी की शुरुआत कर दी है। 2022 में यूपी को जीतने के लिए कानपुर में अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनावी विजय रथ पर सवार हुए हैं और अपनी चुनावी विजय यात्रा शुरू की है। इस दौरान कानपुर में भारी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अखिलेश की जीत के साथ ही रथ यात्रा का आगाज किया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को देखकर अखिलेश काफी गदगद हुए। कानपुर के बाद ये रथ यात्रा हमीरपुर पहुंची, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी रथ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब जब समाजवादी रथ यात्रा निकाली गई है, तब तब यूपी में साइकिल चली है। समाजवादी रथ जब भी चला है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। इस बार भी समाजवादी रथ चल करके जनता के बीच में इसी तरह रहेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कल्याणकारी योजनाएं चले, जनता को चैन एवं और सौहार्द को लेकर के जनता के बीच से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। सपा की विजय रथ यात्रा को लेकर कानपुर पूरी तरह से सपा के चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आया। सारी सड़कें और गलियां सपा के पोस्टर और झंडों से पटी हुई दिखाई दी है। हर तरफ पार्टी के कार्यकर्ता भी सपा के इस चुनावी शंखनाद का गवाह बने। सपा के कार्यकर्ता भी इस विजय यात्रा को लेकर काफी जोश में नजर आए। बता दें कि इससे पहले अखिलेश 31 जुलाई 2001 में पहली बार रथ यात्रा लेकर निकले थे और फिर इसके बाद 12 सितंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले, जिसके बाद अखिलेश ने यूपी में सपा की सरकार बनाई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने रविवार को वेस्ट यूपी से विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है और छोटे दलों से गठबंधन अपनी शर्तों के अनुसार करने का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।